का पहला मॉडल हॉस्पिटल बनकर तैयार है, जिसका विधिवत उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा की जाएगी। बता दें कि इसकी तैयारियां पूरी हो गई है। इसके साथ ही भोजपुर जिला अंतर्गत सदर हॉस्पिटल में नव निर्मित PICU जो भवन है वह भी बनकर तैयार है। इसका भी विधिवत आज उद्घाटन किया जाएगा। हम दिखाना चाहेंगे कि जो बच्चों के लिए जो शिशु जो बच्चे हैं चाइल्ड के जो वार्ड है उसको बनाया गया है। काफ़ी सालों से यह मांग था कि जिस तरह से SNCU वार्ड है लेकिन बच्चों के लिए कोई वार्ड की व्यवस्था नहीं थी और लाखों करोड़ों रुपये की लागत से यह बना है। इसके अलावा जो हम बताना चाहेंगे, जो आपको दिखाना चाहेंगे, उधर पीछे में मेरे भवन है, जो भवन है ये जो मॉडल हॉस्पिटल का जो है, ऐसे तो सूबे में सभी ज़िलों में मॉडल हॉस्पिटल बनाने की जो कार्य चल रहा है लेकिन अब भोजपुर में पहला है जो बनकर तैयार है। और बता दें कि यह 15 करोड़ की लागत से बन गया है। इसके अलावा 300 बेड की व्यवस्था की गई है और फुली नई तकनीक से और नई वातानुकूलित सुविधा दी गई है। मरीजों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाएगा और जैसे रेड जोन है, येलो जोन है, इस तरह के जो व्यवस्था दी गई है। साथ ही जो नई तकनीक और वहाँ इस्तेमाल मशीनों की व्यवस्था दी गई है। साथ ही आज जिस तरह से बताया गया कि आज स्वास्थ्य मंत्री कुछ ही देर बाद इसका उद्घाटन कर रहे हैं और जो उद्घाटन की प्रक्रिया को लेकर पूरी तैयारियाँ हो गई है। सुरक्षा में तैनात हैं यहाँ के जो गार्ड हैं वो तैयार हैं। इसके अलावा जो ये PICU जो भवन है वो भी बनकर तैयार है, उसका भी आज उद्घाटन किया जाएगा। और यह 15 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारा मॉडल हॉस्पिटल है 15 करोड़ की लागत से बना है और यह आज भोजपुर को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिया जाएगा या उद्घाटन किया जाएगा। आज से जो सुविधा है लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बता दें कि जो वहाँ 3 मंजिला बनाया गया है, जो पहला जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ इमरजेंसी जो व्यवस्था है वह दी जाएगी। इसके अलावा जो ऊपर में है सर्जिकल है और जो वार्ड बनाया गया है सभी व्यवस्था एक सिस्टमेटिक ढंग से है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जनता इसका कितना लाभ उठा पाएगी। और अब पहले होता था कि हम लोग के भोजपुर के मरीजों को पटना जाने पड़ते थे लेकिन अब पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। यह पूरी व्यवस्था आपको ये भोजपुर में मिलेगा और मॉडल हॉस्पिटल बनकर तैयार है, आज विधिवत इसका उद्घाटन हो रहा है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर वॉइस कोप के लिए। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 24 को, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ 24 ऐप।